हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग मैं श्रुति दुबे मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ का अकेडमी के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर मैं आ गई हूँ आपके साथ संडे का फंडे डिस्कस करने आज एक इंटरव्यू में जाना था इंटरव्यू में जाना तो था लेकिन ड्रेस क्या पहनूं पहनने के बाद क्या मैं अच्छी लगूँगी अच्छी लगने के बाद क्या मैं अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊँगी क्या मैं जो बोल रही हूँ वो उनके समझ में आ रहा है या मैं किस तरह से उनके सामने प्रेजेंट हो रही हूँ वो क्या उनको अच्छा लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा तो क्या बुरा लग रहा है बुरा नहीं लग रहा तो मैं क्या करूँ जो मैं और अच्छा कर करूँ ऐसा करते करते शायद वो इंटरव्यू का टाइम भी निकल गया आपको पता है इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं एनर्जी ड्रेनिंग थिंकिंग और या फिर सिंपल शब्दों में ओवर थिंकिंग आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में क्योंकि इंग्लिश में एक सेंग है कि वेन यू आर अलोन यू शुड वॉच योर थाट्स ओवर थिंकिंग हम सबसे ज़्यादा तब करते हैं जब हम अकेले रहते हैं या फिर कुछ लोगों की हैबिट होती है ओवर थिंकिंग करने की वो सिर्फ सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं जो चीज़ें नहीं होती वो भी शायद वो सोच लेते हैं आगे क्या होगा क्या होगा वो इतने ज़्यादा स्टेप्स चले जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि कब उनकी थिंकिंग ओवर थिंकिंग बन गई तो क्या ओवर थिंकिंग से आपको नुकसान पहुंच सकता है या सिर्फ थोड़ी देर के अपने थॉट प्रोसेस चेंज करने से आपको फ़ायदा मिल सकता है इसको जानने के लिए ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ओवर थिंकिंग सिर्फ और सिर्फ हमारी एनर्जी ड्रेन करती है वो सारी चीज़ें पैदा करती है आपके मन में जो शायद है ही नहीं वो एक इल्यूजन क्रिएट करती है जो कि शायद है ही नहीं कहीं पर ओवर थिंकिंग कैसे आप कर रहे हैं ये आपको कैसे पता चलेगा जब आप कोई चीज़ का डिसीजन नहीं ले पाते जब आप एक छोटा सा डिसीजन नहीं ले पाते कि आपको खाना क्या खाना है आप हर चीज़ को लेके कर एंशियस हो जाते हैं क्योंकि ओवर थिंकिंग सीधे सीधे हमारे स्टमक और ब्रेन को इफ़ेक्ट करती है ओवर थिंकिंग करने वाला हर पर्सन हमेशा उसके बॉडी एक हेड एक हमेशा बने रहते हैं ये कोई और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर से कि ऑल इज़ वेल विथ यू बट यू हैव अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ओवर क्योंकि ये आपको उस स्ट्रेन लेवल पर पहुंचा देती है जो जहां पर शायद वो कभी हो ही ना आपकी लाइफ में और आपने अपनी सोच का एक महल तैयार कर लिया जो महल शायद रियालिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता एक स्टेज और होती है जहां पर आप ओवर थिंकिंग करते करते ये सोचते हैं कि शायद आप दुनिया में सबसे ज्यादा वर्स्ट हैं

इम सिंड्रोम हमारी बॉडी को एक ऐसे लेवल पे पहुंचाता है जहां पर आगे कई बीमारियां होने का हमें खतरा होता है ओवर थिंकिंग करने वाला हर पर्सन हमेशा अपने स्टमक प्रॉब्लम से परेशान रहता है ही इज़ ऑल ही और शी इज़ ऑलवेज बिलीव कि उनको या तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा या उनको कुछ सूट नहीं कर रहा जबकि ऐसा कुछ नहीं होता वो इतना ज़्यादा स्ट्रेन कर चुके होते हैं अपने आप को कि सब चीज़ों का इफ़ेक्ट उनकी बॉडी पे पड़ना शुरू हो जाता है ओवर थिंकिंग बहुत स्मॉल वर्ल्ड तो है पर इसका इफ़ेक्ट बहुत बड़ा है क्योंकि ओवर थिंकिंग ना सिर्फ हमारे मेंटल स्टेटस को इफ़ेक्ट करती है हमारे फिजिकल स्टेटस को भी इफ़ेक्ट करती है और साथ साथ आगे आते आते वो हमें कहीं ना कहीं डिप्रेशन में भी ले जाती है इसलिए जब कभी भी आप अकेले हों तो अपने थॉट्स को ज़रूर देखिए कि आप किस तरफ जा रहे हैं क्योंकि जनरली जब हम शांत होते हैं या हमारे आसपास कोई नहीं होता या हम खाली होते हैं तो हम सारी चीज़ें बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं या हम किसी की बातें सुन के उसको बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब भी आपको ऐसा लगे तो आप क्या करें जिससे आप अपनी इस ओवर से बाहर आ सकें जस्ट स्टॉप योर थाट्स आई सेट कि आप जब अलोन है तो अपने थाट को वॉच जरूर करिए जस्ट स्टॉप योर थाट एट दैट प्लेस क्योंकि वहाँ से अगर आपने स्टॉप करना सीख लिया और अपने यू you नो know, अपने आप को एक झटका दिया और बोला कि नहीं नहीं बस इनफ़ ये नहीं है देन यू कैन गेट आउट ऑफ इट एंड बिलीव स्टार्ट बिलीविंग इन योर कि नहीं आई हैव समथिंग विच इज़ वेरी वेरी प्रेशियस फॉर सम अदर पर्सन उसके पास वो भी नहीं है जो आपके पास है बिलीव इन योर सेल्फ बी रिलैक्सड टॉक टू समन फोकस ऑन वॉट यू कैन कंट्रोल क्योंकि ओवर थिंकिंग में पर्सन वो सारी चीज़ें सोचता है जो उसके कंट्रोल में नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने एक्सपेंस कैसे मैनेज करते हैं आपके पैसे खर्च होते जा रहे हैं और आप सोच रहे हो कि इस महीने सेविंग नहीं कर पाएंगे अगले महीने सेविंग नहीं कर पाएंगे ई कैसे भरेंगे लोन्स पूरे नहीं होंगे फिर आगे क्या होगा मेरी सेविंग्स नहीं होंगी मेरे आने वाले दस सालों में कुछ कर नहीं पाऊँगा स्टॉप दैट यू कैन कंट्रोल योर एक्सपेंसेस so start controlling your expenses, think about the solution, don't think about the problem. सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं पर हमारे साथ बुरा होता रहता है नहीं आपका कहीं झगड़ा हो जाए और आप ये सोचो कि मेरा झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि वह बैड पर्सन था उसने आपको बेट से उठा के तो झगड़ा नहीं किया आप सो रहे होते तो वो झगड़ा नहीं होता तो ऐसे कई सिचुएशन्स आती हैं जहाँ पर वो सिचुएशन हम अवॉइड कर सकते हैं और हम अपनी थॉट्स को सही कर सकते हैं राधा दिन सामने वाले के सो कंट्रोल दो थिंग्स जो आपके कंट्रोल में हैं वो चाहे एक्सपेंसेस हों वो चाहे सेविंग्स हों वो चाहे आपका थॉट प्रोसेस हो आपकी कोई भी एक्टिविटी हो जिसको आप कंट्रोल कर सकें चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टॉप कैफीन ओवर थिंकिंग करने में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कभी कभी ओवर ईटिंग भी करते हैं या ओवर कैफ़ीन भी कर देते हैं वो चाय या कॉफ़ी पीते जाते हैं पीते जाते हैं क्योंकि दे थिंक कि ना वो इन्हें हेड है उन्हें बॉडी एक है तो लेट्स हैव वन मोर टी लेट्स हैव वन मोर कॉफी लेट्स हैव सम मोर कैफीन स्टॉप कैफ़ीन क्योंकि इट डायरेक्टली इफेक्ट्स योर ब्रेन ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके उस थॉट प्रोसेस को और गलत की तरफ ले जा रही उसे स्टॉप कीजिए सो बेसिकली स्टॉप कैफीन Sometimes resetting you is the solution. Reset yourself. Take a break. Have a chill. Relax for रिलैक्स हो ये लेट्स द लाइफ क्योंकि हम क्या करते हैं हम लाइफ का हर डिसीजन लेना चाहते हैं और हम और लाइफ को बिल्कुल अपनी तरह से घुमाना चाहते हैं और वो अगर नहीं होता तो फिर हम उसी इल्यूशन प्रोसेस में चले जाते हैं लेकिन अगर अपनी लाइफ को आप कभी कभी फ्लो करने देते हैं तो इट्स नॉट अ बैड थिंग क्योंकि कभी कभी वो फ्लो जाता जाता है और आपको वहीं पर जाके कहीं सोल्यूशन मिल जाता है तो लेट्स हैव अ रीसेट लेट्स हैव अ चिल लेट्स द लाइफ फ़्लो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओवर थिंकिंग में हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम सबसे बेकार हैं या हमारे साथ बहुत गलत हुआ है एम्प्रेस योर अचीवमेंट्स आपने आज तक लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है जो शायद किसी और ने नहीं किया है वो कहीं भी हो सकता है वो आपके वर्क एरिया में हो सकता है प्रोफेशनल एरियाज़ में हो सकता है पर्सनल एरिया में हो सकता है स्कूल में हो सकता है कॉलेज में हो सकता है कहीं भी हो सकता है तो वो सारी अचीवमेंट को हमेशा याद रखिए दूसरे आपकी बड़ाई करें या ना करें अपने आप को अपना हीरो मानना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए कि अगर आप अपनी आंखों में हीरो नहीं हैं तो कोई और आपको हीरो कभी नहीं समझेगा तो अपने आप को हीरो समझिए अपनी लाइफ को चिल बिल रखिए और ज़्यादा मत सोचिए और अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो लेट्स राइट इट आई बिलीव कि सबसे अच्छा तरीका है अपने थाट्स को बाहर लाने का लिखना स्टार्ट राइटिंग स्टार्ट ड्राॅइंग कलरिंग एनी थिंग विच कैन टेक आउट यू फ्रॉम दैट थाट प्रोसेस और खुश रहिए और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट संडे के फंडे में फिर से तब तक के लिए ख्याल रखिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए नमस्कार